अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों आज हमने वीडियो बनाई है एक डीसी कूलर पर, जिसको हम अपनी हाथों से अपने रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं और गली से और कमरे के बैर से भी ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। दोस्तों कूलर को रिमोट करने के क्या फ़ायदे हैं मैं आके आपको बताता हूँ। इसका छोटा सा रिमोट है, दो बार क्लिक करें कूलर ऑन हो जाएगा, ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों हमारी जो सिस्टम है, ये कूलर है, ये तार है, इसकी बैटरी पे डायरेक्ट लगी रहती है और कूलर से हम ऑन ऑफ करते हैं। दोस्तों देखें जब हम इसको लगाते हैं तो कितनी स्पार्किंग करता है, जब रिमोट से होगा तो फिर तो स्पार्किंग नहीं करेगा, इस तरह बैटरी पे लग जाएंगी तारें और ऑन हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इस तरह की अगर स्पार्किंग होगी तो लाजमी हमारी बैटरी फट सकती है। दोस्तों देखें छोटी सी हमारे पास रिले है 12 वोल्ट हावी एम्पियर, ये मतलब कि उस पर लगी होती है UPS के कॉर्ड पर, वहाँ से और आप दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक से दुकान से भी ले सकते हैं। ये एक रिमोट कंट्रोल है जो मोटरसाइकिल में हम लगाते हैं रिमोट करने के लिए, सेफ्टी के लिए। दोस्तों ये इसका रिमोट है, इसके साथ दो होते हैं लेकिन मेरे पास तो फ़िलहाल तो एक ही है। दोस्तों इसकी मैं आपको कनेक्शन बता दूँ, इसमें जो रिमोट होता है इसमें दोस्तों ये मतलब रिले है, इसके 12 वोल्ट हैं नीचे वाले, और जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम दोस्तों छोड़ देंगे, ये खाली है। ये वाला इसका कामन है, ये कूलर की तरफ चले जाएगा आउट, और ये वाला इन है, यहाँ से हम सोलर दे सकते हैं, बैटरी का कनेक्शन भी दे सकते हैं, और जब हमारी रिले ऑन होगी ऑन हो जाएगा, ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा। वो ऑफ पे काम करता है, नीचे वाला रिले ऑन पर काम करता है। कई दोस्तों को तो समझ आ चुकी होगी, अगर चैनल पे दोस्तों न्यू हो तो सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जिन भाइयों ने कर रखा उनका बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इसको पहले हम दो 12 वोल्ट वाले जो कनेक्शन है वो दे देंगे, ये वो 12 वोल्ट हैं जो मोटरसाइकिल में चाबी के लिए लगाए जाते हैं। डायरेक्ट इसको जो मतलब कि रिमोट कंट्रोल है इसको 12 वोल्ट दे जाते हैं बैटरी से, और 2 12 वोल्ट वो होते हैं जो हम 2 बार क्लिक करते हैं तो हमारी चाबी वाला स्विच ऑन होता है, ये तब रिले को ऑन करेगा। जब ये रिले ऑन होगी और जो हमारे मतलब ये मोटी तार मैं लगा रहा हूँ इसको मतलब इसके अंदर से वो पास कराएगा। ये जो तार लगा रहा हूँ ये कामन है, ये हम कूलर की जो प्लस है वो मतलब कि आध जा के अंदर में उसमें काट देंगे, मतलब कि इसको मैं काट दूँगा, मतलब जो तार हमारी प्लस वाली जा रही है उसको मतलब कि काटेंगे। काटने के बाद एक से रॉस के साथ चमड़ा देंगे, दूसरा से रॉस के साथ चमका देंगे, जब चमड़ाने के बाद 2 सिरे हमारे काम करना वर्क शुरू कर दें। मतलब बात इस तरह है कि 2 सिरे जब आपस में मिलेंगे रिले मिलाएगी और उसको मतलब ऑन ऑफ रिले ही करेगी, उसके बाद आपका कूलर डीसी हो जाएगा। दोस्तों मैं ये आप इसकी तारें लग चुकी हैं, पहले भी समझा चुका हूँ, ये 12 वोल्ट इसको मिल रहे हैं और आगे इसकी ऑन ऑफ के लिए। दोस्तों जब 2 लाइटें लगानी है, इसके साथ 1K की रेजिस्टेंस लगा दी है मनफी साइड पे, और जो प्लस हैं ये 2 इसी के ऊपर लगा देंगे। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको ये लगा के दिखाता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। दोस्तों ये देखें इसमें ये लग चुके हैं हमारे, ये मनफी जो पैंट है इसका रेजिस्टेंस की सिरा है 1K की रेजिस्टेंस है, और एक लाइट मतलब कि रेड पे लगा दी, एक ब्लू लगा दी है, जो ब्लू है वो मतलब कि ऑन पे है और जो रेड है वो ऑफ पैंट पे है। जब लाइट ऑन हो जाएगी तो का मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बंद हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको खोलता हूँ, इसमें सिर्फ 2 तारें खोलनी है और ज़्यादा इसको वायरिंग को छड़ाछड़ी नहीं करनी। जो हमारा रिमोट है उसकी 2 तारों पे हम जब मनफी दे देंगे, उसके बाद जो हमारी मोटर पे और पंप पे वगैरह जो तारें हमारी जा रही हैं इसको मैं थोड़ा ऊपर करके इसकी काम की तरफ इसको टेप लगा देंगी कि पानी में गिर ना जाए। दोस्तों इसको टेप लगा दिए, ये यहाँ पे लग चुका है, ऊपर है, नीचे नहीं लगाना तो पानी जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। दोस्तों ये लगने के बाद आप देखें कि हमारी रिले भी सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से जो गर्म तार जा रही है आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इस गर्म तार मतलब प्लस को काट देंगे। काटने के बाद जो हमारी रिले वाली तार एक है इसको दे देंगे, दूसरी उसको दे देंगे, 2 तार हमारे पास बच जाएंगी। ये हमारी आ रही है प्लस वाली तार है, इसको हम प्लस देंगे। ये कौन सी प्लस है? वे वो प्लस है जो रिमोट इससे ऑन होगा।
इसको तो भी प्लस देनी है ना, इसको प्लस देंगे तो तब हमारा रिमोट ऑन होगा। जिसको हम प्लस दे दी रिमोट वाले को, और इसके साथ मतलब नेगेटिव वाली भी तार है, दो तारें रह चुकी हैं ये वाली, मतलब गर्म दो तारें जो प्लस रह चुकी हैं, एक हम मेन पे लगा लेंगे इसी के साथ जो मैंने लगाई है ना, इसी के साथ हम प्लस के साथ लगा देंगे, और आगे जो हमारी रिले है वो इसको कंट्रोल करके पक्के मतलब के फ़ैन को या और पंप को या हर चीज़ को यही सप्लाई करेगी। इसी का ऑन ऑफ रिमोट से आप होगा, या फिर इसका एसी से बाईपास हो रहा है। जो नेगेटिव तार है उसको कुछ भी नहीं कहना, उसको रहने देना। अब नेगेटिव पे हम एक तार लगाएंगे जो हमारी रिमोट को मिले। पहले तो हमारी रिमोट को प्लस तो मिल चुकी है, लेकिन इसको इस तरह मिले, मतलब इसको यहाँ से नेगेटिव हम देंगे तब आगे हमारा काम होगा, ऑन होगा। जब रिमोट ऑन होगा तब काम करेगी, नहीं तो वैसे ऑन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव देनी है। इसमें तारें काफ़ी हैं, बहुत सारी हैं रिमोट में, लेकिन वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कोई इंडिकेटरों के लिए है, कोई कोई यूनिट कोयल के लिए होती है, वगैरह वगैरह होती हैं। दोस्तों जिस तरह मैं आपको तारें बता रहा हूँ उसी तरह लगानी, गलत लगाएंगे तो बिल्कुल बर्क आपका काम नहीं करेगा। दोस्तों ये जो रिमोट है ये आम दुकान मतलब कि मोटरसाइकिल वाली से मिल जाता है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ, ये देखें कि इसकी सप्लाई मैंने ऑन कर दी, इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी ब्लू लाइट हो गई, तो तब हमारा कूलर ऑन हो जाएगा। दोस्तों कोशिश करनी है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, और मैं काफ़ी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप उस पर भी जाएँ। दो बार हम क्लिक करेंगे, हमारा ये देखें पंखा चल चुका है। अब मैं इसका पानी भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसलिए हमने इसको रिमोट कंट्रोल किया है कि जब हमारी बैटरी पे तारें लगानी बार बार की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, हम जहाँ रिमोट पे बैठे बार जहाँ से ऑन कर लेंगे और वहाँ से ऑफ चेक करेंगे। और अगर सप्लाई से भी इस तरह चलाएंगे तो सप्लाई से भी रिमोट को सप्लाई से तारें लगा के और बाद में डीसी जो सप्लाई होती है 12 वोल्ट उस पर लगाएँगे, कंप्यूटर सप्लाई पर भी आप लगाएँगे तो दोबारा आपको ऑन रिमोट से करना होगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका पानी भी, आपको मैं छोटा सा इसमें मगर रख दिया कि पानी बाहर ना चला जाए। दोस्तों ये देखिए कि इसका पंप भी आपके सामने वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और इसका मतलब रिमोट हमारा जो है वो बेहतरीन लग चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं, और मैं आपको इसका दूर का भी नज़ारा कराता हूँ। इसमें दो लाइटें लगाई हैं, ग्रीन मतलब कि ब्लू और रेड। जब बैटरी पे तार लगी रहेंगी तो ये इस तरह ऑन ही रहेंगी। और ये बटन देखें पंप और ग्रिल का जो ऑन है, हमारी ग्रिल भी आप देख सकते हैं वो भी चल रही है, हर चीज़ इसी रिमोट से ऑन हो रही है। मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारा काम बिल्कुल वर्क कर रहा है। और काफ़ी वीडियो दोस्तों मैंने बना रखी है पंप पे सप्लाई पे, जाएँ देखें, और कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों कोशिश करनी है कि वीडियो आपने मुकम्मल ही देखी होगी, और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। अब थोड़ा मैं दूर चला जाता हूँ, दोबारा मैं आपको चेक करा, वहाँ से देखें कि राइट लाइट हमारी ब्लू हो चुकी है, अब वहाँ देखें कि ग्रीन हो चुकी है, बंद हो चुका है। इस तरह दोस्तों ये जो लाइट है इस तरह ये जलती रहेगी, और हमारा कूलर तैयार हो चुका है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।